मैं अव्यक्त वतन में अपने आकारी स्वरूप में बाप दादा के सन्मुख हूं। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। बाबा के हस्तों से मुझ में परमात्मा शक्तियों का संचार हो रहा है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं सहज योगी भव। सदा समर्थ भव। अब बाबा की शक्तियों से संपन्न बनकर बाबा से वरदान प्राप्त कर मैं लौट आता हूं साकार वतन। बाबा की शक्तियों से अब मेरे सारे व्यर्थ और कमजोर संकल्प समर्थ संकल्पों में परिवर्तित हो गए हैं। मैं सदा एक बाप के स्नेह में ही समाये रहता हूं और माया की छाया से दूर रहता हूं। अब मैं सभी आकर्षणों से मुक्त हूं। मेरे संकल्प में भी अब कोई आकर्षण नहीं। मैंने दिल और दिमाग एक बाप को दे दिया है। मैं मन वाणी कर्म से बाप का हो गया हूं। मैं दिलाराम बाप को दिल देने वाला एक बाप को ही अपने दिल में बसाने वाला सहज योगी बन गया हूं। हर पल बाप की याद की लगन में मगन रहता हूं और सदा आगे बढ़ता हूं। बाप की अटूट याद द्वारा उड़ता पंछी बन हर समस्या रूपी पहाड़ को आसानी से पार कर लेता हूं।
हर बीती बात को बिंदी लगाकर मैं स्वयं भी बिंदु बन जाता हूं। और एक बिंदु रूप बाप को याद कर सहज योगी बन जाता हूं। मैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारा और बाप का प्यारा हूं। सर्व संबंधी एक बाप को बनाकर मैं सहज योग का अनुभव करता हूं। सदा बाप के समीप संबंध में रहता हूं। और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करता हूं। अब मैं सर्व प्राप्ति संपन्न सिद्धि स्वरूप बन गया हूं। अपने अनुभवों के अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहकर सदा का योगी सहज योगी बन गया हूं। सदा बाप के स्नेह में समाये रहता हूं। अब तो मुझे दिन रात और स्वप्न में भी सिर्फ बाप और सेवा ही दिखाई देते हैं। मैं स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ अपने संकल्प बोल और कर्म सेवा में लगाता हूं। बाबा से प्राप्त शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, यह सभी खजाने मैं विश्व कल्याण के कार्य में लगाकर बाप का सहयोगी बन गया हूं। सहयोगी बनकर ही मैं सहज योगी बन गया हूं। अब तो मेरा बाबा से वायदा है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ वापस चलेंगे।
इसी वायदे को स्मृति में रखकर मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहता हूं। और निरंतर योगी बन गया हूं। उड़ती कला में उड़ने वाला फरिश्ता बन गया हूं। अब तो सिर्फ मुझे देखने से ही दूसरों का योग लग जाता है। और मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। ओम शांति।